हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फोर्थ। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका चैप्टर नंबर 9 हम कंप्लीट कर चुके हैं, टेस्टिंग एंड ईटिंग फूड। और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है बीक्स एंड क्लॉज। बीक्स यानी चोंच एंड क्लॉज यानी उनके जो पाँव होते हैं, पैर, आपको जो बर्ड्स के पैर होते हैं उनको क्लॉज बोलते हैं, ओके। और इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप इसके न्यू वर्ड्स देख लें और इनको लर्न भी कर लें। आज का होमवर्क भी यही है, तो इनको ध्यान से देखिएगा। बीक्स एंड क्लॉज, न्यू चैप्टर है तो न्यू पेज से करेंगे हम। न्यू वर्ड्स, वंडर्ड यानी आश्चर्य, जिनको देखते ही हम शौक हो जाए। फंक्शन यानी कार्य, कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, बोर यानी उबा देना। स्लेंडर यानी पतला, स्क्रैच यानी खरोंच, स्ट्रॉ यानी स्ट्रॉ, स्पेयर यानी भाला और पर्चिंग यानी बसेरा, ओके। अब देखिए इस चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। आज हम इस चैप्टर का ओनली आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे यहाँ से, ये देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीक्स एंड क्लॉज, बीक्स यानी चोंच और क्लॉज यानी इनके पैर। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ बर्ड बीक्स एंड क्लॉज? क्या आपने कभी बर्ड्स की बीक को उनके क्लॉज को देख के ऐसा लगा आपको कि ये सब कैसे है, मतलब उनको देख के आपको वंडर फील हुआ है? बीक्स आर ऑल्सो कॉल्ड बील्स, याद रखिएगा। बी ई ए के, बीक, बीक यानी चोंच, जिनको बील्स भी बोलते हैं, बी आई डबल एल एस, ओके। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ अ बर्ड बिल इज फीडिंग एंड इट इज शेप्ड अकॉर्डिंग टू वॉट अ बर्ड ईट्स, यानी कि इसका मेन फंक्शन होता है खाना खाना। जैसे कि हमारा मुंह, हमारे होठ के जो अंदर के दांत होते हैं वो हमारे किस काम के होते हैं? खाना खाने के लिए होते हैं। हम जो खाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे दांत होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह, आपने भी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इनके बारे में, दांत के बारे में, तो बिल्कुल उसी तरह जो बर्ड्स होते हैं वो जो भी खाते हैं, जो भी उनका खाना होता है, उसी के अकॉर्डिंग उनकी चोंच होती है। बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू पैक, फाइट एंड होल्ड देयर फूड। बर्ड्स अपनी चोंच से और भी कुछ काम करते हैं, जैसे खाना तो खाते ही है, वो अपनी अपनी बीक से किसी को मारते भी है, झगड़ते भी है, लड़ते भी है, और खाने को भी उसी से होल्ड करके पकड़ के रखते हैं। दे ऑल्सो यूज देयर बीक्स टू कलेक्ट ट्विग्स एंड ग्रेसेस टू बिल्ड देयर नेस्ट। और वो अपने चोंच को अपने हैंड्स के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हम अपने हाथों से सारा काम करते हैं, वो अपनी चोंच से अपना काम करते हैं। जैसे कि अगर घोंसला बनाना है तो टहनियाँ वगैरह लाएंगे ना तोड़ के, घास वगैरह, तो वो कहाँ से, किससे लाएंगे? अपनी चोंच से। अब है सर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप। अब देखिए यहाँ पे टू ग्रुप दिख रहे हैं आपको बर्ड्स के, नंबर वन इज हियर एंड टू इज हियर, ओके। तो नंबर वन ग्रुप में सबसे अलग कौन सा दिख रहा है बीक के अकॉर्डिंग? तो ये रहा, इसकी बीक ज़्यादा लॉन्ग है, शार्प भी है। और सेकंड में ये रहा हमिंग बर्ड, ओके। तो आपको भी ये दोनों सर्कल अपनी बुक में करने हैं, और इसके आगे जो हैं टाइप्स ऑफ बीक्स ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आज का आपका होमवर्क आपको दे चुकी हूँ मैं, ये थे आपके न्यू वर्ड्स जो आपका आज का होमवर्क है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके भी अपना काम कर सकते हैं। थैंक यू।